हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक मिल्कित प्लम्बर में। तो दोस्तों, आज वेक्टस कंपनी के कूल टैंक्स लगाए हैं तो उसका वीडियो लेके आ गया हूँ। जो 4 लगाए हैं, 2 कोठियाँ बन रही हैं, जो पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था तो दोनों की इकट्ठी फिटिंग कर रहे हैं। तो 2 टैंक इधर लगे हैं, 2 टैंक दूसरी साइड पर लगे हैं। तो इसको देखो, ये 2 इंची लाइन से फिटिंग किया गया है और 40 डिग्री मार के ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली इसकी फिटिंग की गई है। तो इसका वीडियो बनाया है, तो इसका वीडियो आप लोगों के साथ ही मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये देखो इधर 2 40 डिग्री डाले हुए हैं, तो इसके साथ 90 डिग्री को छोड़ के और 40 डिग्री से सारा काम कर दिया गया है। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब घंटी का जो गड़बड़ी है जो पैसे ही मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। तो इधर देखो दोस्तों, यहाँ से 2 इंची की लाइन डाल के और बीच में 40 डिग्री डबल मार के और 2 गैस एयर पाइप्स निकाली हैं। तो एयर पाइप्स निकाल के तो इधर 2 इंची के डबल 40 डिग्री लगा के तो नीचे से इसकी सप्लाई जोड़ दी गई है 1.25 इंची के साथ। तो दोस्तों, ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया ऊपर, तो सप्लाइयाँ 4-5 थी। तो 2 इंची की 2 ही सुराख निकाले गए हैं, एक टंकी से एक सुराख निकाला गया है और दूसरी टंकी से दूसरा सुराख निकाला गया है। तो अभी इधर भी फिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छोड़ेंगे। तो इधर सोलर की लाइन आ जाएगी, सोलर को भी छोड़ देंगे यहाँ पे पॉइंट्स। तो इधर से दूसरी साइड पे भी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, ये वाली फिटिंग की गई है। दोस्तों, ये क्यों ऐसे की गई है फिटिंग, इसका एक रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि दूसरी टंकी की तरफ हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसका सुराख सेंटर से हमने 2 निकाले हैं, एक तो दोनों को आपस में टंकी को जोड़ दिया और बीच में टी डाल के सारे पॉइंट्स ले लिए गए हैं। क्योंकि 2 इंची फिटिंग इसी यही करने का रीज़न था, क्योंकि 4 सप्लाई थी इसकी, तो 1 के 4 बाथरूम, 1 के 3 बाथरूम है और 1 किचन है। तो इसको यही रीज़न था कि ये देखो, ऊपर भी डबल 40 डिग्री डाल के हम लोगों ने मोटर की पाइप भी इसके अंदर डाली है। तो दोस्तों, इसका रीज़न यही था कि डबल ज़्यादा कम से कम सुराख निकले टंकी के अंदर, और सेंटर वाले 2 सुराख निकाल के तो टंकी को आपस में जोड़ना ही था। तो उसके बीच में एक फ़ायदा निकाल के तो अपना भी काम सौखा कर लिया और कस्टमर का भी, कल को टंकी भी ब्रेकेज होने के कम चांस आ जाए। क्योंकि टंकी के अंदर जितने सुराख निकलेंगे उतने आप ये समझ सकते हो कि उतने ही ज़्यादा इसका नुकसान होने हो सकता है। तो एक रीज़न ये भी था इस टंकी को फिटिंग करने का, और एक रीज़न ये है कि 40 डिग्री से मैंने इसको किया गया है और एक ही सुराख निकाल के 2 इंची की लाइंस और सारे सप्लाइयाँ पूरी कर दी गई हैं। तो इसके ऊपर प्रेशर पंप की भी फिटिंग का पॉइंट छोड़ा हुआ है, तो कल को अगला प्रेशर पंप लगवाए तो भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, ये देखो इस तरह से इधर को लेके आए, तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था। तो आप लोग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, क्योंकि नीचे इसकी फिटिंग में भी चल रही है। तो हम लोगों ने टैंक ऊपर पहले फिटिंग कर दिया गया। तो ये देखो, तो कितना खूबसूरत मौसम है ऊपर, और ये विलास बन रहे हैं। तो इस कॉलोनी के अंदर हमने फिटिंग की गई है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर कोई और भी सुझाव है तो वो भी बता देना मेरे को, तो आगे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो ज़रूर वीडियो देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी के बजाओ, जो कि अगला वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।